हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सबको शिक्षा पर आज हम आपके लिए यूपीएससी आई एस सी के आर्ट इस टॉपिक के डांस इस कैटेगरी पर क्विज लाए हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने मोहिनी योत्तम इज ए डांस फॉर्म एसोसिएट विथ विच इंडियन स्टेट मोहिनी योत्तम इज ए डांस ये कौन सा फॉर्म ये इस डांस फॉर्म किस स्टेट से एसोसिएट है ये डांस फॉर्म किस स्टेट से एसोसिएट है मोहिनी मैं फिर से क्वेश्चन रहा था मोहिनी यात्रम तो इज ए डांस फॉर्म एसोसिएट विथ इंडियन स्टेट फर्स्ट ऑप्शन तमिलनाडु सेकंड ऑप्शन केरला थर्ड ऑप्शन कर्नाटका एंड फोर्थ ऑप्शन आंध्र प्रदेश तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन केरला मोहिनी यात्तम इज ए डांस फॉर्म एसोसिएट विथ इंडियन स्टेट केरला मोहनी एटम डांस फॉर्म केरला स्टेट से एसोसिएट है नेक्स्ट कुचिपुड़ी इज ए डांस फॉर्म एसोसिएट विच स्टेट ऑफ इंडिया कुचिपुड़ी ये डांस फॉर्म भारत के किस स्टेट से एसोसिएटेड है यानी कि किस स्टेट से वो बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल उड़ीसा मणिपुर या आंध्र प्रदेश मैं फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ कुचिपुड़ी इज ए डांस फॉर्म एसोसिएट विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑप्शन वन वेस्ट बंगाल सेकंड ओडिशा थर्ड मणिपुर फोर्थ आंध्र प्रदेश तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी से डांस फॉर्म एसोसिएट विथ आंध्र प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ़ दिस इज़ नॉट ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया निचे द्विख्यों में से कौन सा क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया नहीं है मीन्स डांस फॉर्म नहीं है ऑप्शन वन भांगड़ा सेकंड कुचिपुड़ी थर्ड ओडिसी फोर्थ भरतनाट्यम तो इसका सही आंसर है भांगड़ा भांगड़ा इज नॉट ए क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया ये क्लासिकल डांस फॉर्म नहीं है इंडिया का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर ऑफ द फॉलोइंग वन इज ए डांस इज़ इट नीचे गए में से कौन सा एक डांस ड्रामा है कथक कथक कली कुचिपुड़ी या ओडिसी फिर से दोहराता हूं नीचे जगह में से कौन सा एक डांस ड्रामा है कथक कुचिपुड़ी ओडिसी तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू कथकली कथकली इज वन इज ए डांस ड्रामा नेक्स्ट यक्षगना इज ए आर्ट फॉर्म एसोसिएट विथ विच इंडियन स्टेट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये है कि अक्षगना ये, ये एक आर्ट है आर्ट फॉर्म है वो किस स्टेट इंडियन स्टेट से एसोसिएटेड है कर्नाटका तो यक्काशंगा ये आर्ट फॉर्म किस स्टेट से एसोसिएटेड है तो सबसे पहला ऑप्शन है कर्नाटका फिर उड़ीसा फिर महाराष्ट्र फिर सिक्किम तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्नाटका यकशंगा ये आर्ट फॉर्म कर्नाटका इस इंडियन स्टेट से एसोसिएटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट बैलेरिना ऑफ द अर्लीय ट्वेंटी सेंचुरी नीचे देखें में से किसे हम कंसिडर करते हैं द ग्रेटेस्ट बैलेरिना ऑफ द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी एना पाउलो इसडोरा डुकान मारी टैगलोनी या गिलियन मर्फी तो इसका सही आंसर है एना पाओलो एना पाउलो इन्हें हम कंसिडर करते हैं द ग्रेटेस्ट बैलेरिना ऑफ द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन This form of dancing originated in the Bronx area of New York City in the early 1970. What is it called? ये नीचे देखे में से एक फॉर्म डांस फॉर्म डांसिंग का एक फॉर्म है जो ओरिजिनेट औरिज, और उसका ओरिजिन है ब्रॉन्स एरिया ऑफ न्यूयॉर्क सिटी इन द अर्ली 1970 तो ये नीचे देखे में से कौन है टैप डांसिंग ब्रेक डांसिंग सालसा या जैज तो इसका सही आंसर है ब्रेक डांसिंग ब्रेक डांसिंग इज द फॉर्म ऑफ डांसिंग Originated in the Bronx area of New York City in the early नाइनटीन सेवेंटीज Next question number eight. Which of this is a dance form as well as martial art? नीचे देखो में से कौन सा एक डांस फॉर्म है और एक मार्शल आर्ट स्टाइल भी है मैम्बो बैलेट पो या कोपी कोपीरा जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ कोपीरा कोपीरा एक डांस एक फॉर्म भी है और एक मार्शल आर्ट का फॉर्म भी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन इन विच कंट्री डिड द बुत्तोच डां बुथो डांस डेवलप इन द आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड इंडिजीनियस क्लासिकल फॉर्म्स किस देश में बुथो डांस डेवलप हुआ आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू यानी कि वर्ल्ड वॉर टू होने के बाद इन रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न जो रिजेक्ट हुआ वेस्टर्न और इंडिजीनस क्लासिकल फॉर्म्स में जर्मनी चाइना जापान या कोरिया तो इसका सही आंसर है जापान जापान में इन विच कंट्री दैट्स मीन इन जापान द बुट्टेप इन द आफ्टर मैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू इन रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न एंड इंडिजिनियस क्लासिकल फॉर्म्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन विच डांस फॉर्म डेवलप फ्रॉम द कैंटे और सॉन्ग्स ऑफ एंडालुसिया इन स्पेन कौन सा डांस फॉर्म डेवलप हुआ कैंटे और सॉन्ग्स ऑफ एंडालुसिया इन स्पेन में सालसा फ्लैमेंको सांबा या मैम्बो तो इसका सही आंसर है तो नीचे दिखो में से कौन सा डांस फॉर्म डेवलप हुआ कैंटे और सॉन्ग्स ऑफ स्पेन में वो है इज डांस फॉर्म फ्रॉम द कैंटे और सॉन्ग्स ऑफ एंडोलुसिया इन स्पेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन दिस डांस इज फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड ओरिजिनेटेड एज ए मार्शल आर्ट वॉज इट इट्स नेम नेमचे दिखों में से कौन सा डांस ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इंडिया का है में पाया गया और ओरिजिनेटेड एज ए मार्शल आर्ट एज ए मार्शल आर्ट ओरिजिन हुआ उसका व्हाट इज इट्स नेम उसका नाम क्या है फर्स्ट ऑप्शन भांगरू भांगरा सेकंड चाहू थर्ड मणिपुरी फोर्थ बीहू इसका सही आंसर है चाहू चाहू इज द डांस फॉर्म विच इज फाउंडेड इन फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड ओरिजिनेटेड एज ए मार्शल आर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ़ द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ डांस म्यूजिक नीचे देखो में से कौन सा एक डांस टाइप ऑफ डांस म्यूजिक नहीं है इमो ट्रांस या हिप हॉप तो इसका सही आंसर है इमो इमो इज नॉट ए टाइप ऑफ डांस म्यूजिक बाकी के जो भी uh, स्का डांस ट्रांस और हिप हॉप ये तीनों टाइप ऑफ डांस म्यूजिक है लेकिन इमो नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ दिस इज ए टाइप ऑफ डांस नीचे दिखियों में से कौन सा एक डांस टाइप है लाइन डांस स्क्वे डांस ट्राइंगल डांस फोर्थ ऑप्शन सर्कल डांस तो नीचे दिखो में से कौन सा डांस का टाइप है तो इसका सही आंसर है स्क्वे डांस स्क्वे डांस ये एक टाइप ऑफ डांस है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच इंडियन बुक रिटर्न बाय भारत इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट रिटर्न बुक ऑन डांस तो नीचे दिए में से कौन सी तो नीचे दी गई में से कौन सी ऐसी इंडियन बुक है जो भारत ने लिखी थी वो और इसे ऐसे बिलीव कहा जा बिलीव यानी कि इसे समझा जाता है कि ये ओल्डेस्ट रिटर्न बुक है डांस के ऊपर शास्त्र अर्थवेदा नाट्यशास्त्र या सामवेदा ऑप्शन नित्यशास्त्र अथर्वेदा नाट्यशास्त्र या सामवेदा तो इसका सही आंसर है साम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच इंडियन बुक रिटर्न बाय द भारत इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट रिटर्न बुक ऑन डांस नीचे देखिए में से कौन सी ऐसी बुक इंडियन बुक है जो भारत ने लिखी और ऐसे माना जाता है कि वो ओल्डेस्ट बुक रिटर्न है डांस के ऊपर तो उसके ऑप्शन है नित्यशास्त्र अथर्वेदा नाट्यशास्त्र या सामवेदा तो तो कौन सी ऐसी इंडियन बुक है जो भारत ने लिखी जो सबसे पुरानी मानी जाती है डांस के ऊपर लिखी हुई बुक जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड नाट्यशास्त्र इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक रिटर्न ऑन डांस इज बिली टू बी वन ऑफ ओल्डेस्ट बुक ओल्डेस्ट रिटर्न बुक ऑन डांस विच इज विच इज रिटर्न बाय भारत इट इज ऑल्सो इंडियन बुक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वॉट इज द फैमर नेम ऑफ दिस मिडल ईस्टर्न डांस अम फॉर वूमन विच इज ऑल्सो नोन एज रक्स रक्सर् क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वॉट इज द फैमुलर नेम ऑफ दिस मिडल ईस्टर्न डांस अ सोलो फॉर्म ऑफ वुमन विच इज ऑल्सो नोन एज रक्स शर्कवी तो मैं फिर से क्वेश्चन दोहराया है कि कौन सा ऐसा फैमुलर नेम है जो मिडल ईस्टर्न डांस को सोलो फॉर्म ऑफ डांस है विच इज ऑल्सो नोन एज रक्स शर्खी फ्लैमेंको बुत्तो चचाओ बेली डांस तो इसका सही आंसर है बेली बेली डांस डांस इज द फैमिलर नेम ऑफ दिस दिसल ईस्टर्न सोलो फॉर्म ऑफ फॉर वूमन विच इज ऑल्सो नोन एज रक्ष शर्खी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द डांसिंग ड्यूज जयाज आर द वेरी फेमस हु डांसिंग ड्यूज मे मतलब जब दो लोग डांस करते हैं तो धनंजयंस आर वेरी फेमस द धनन, धनन जो है वो वेरी फेमस है हु वाज द फीमेल डांसर वो कौन है शंता राधा अमला या विद्या ये चारों में से कौन है तो इसका सही आंसर है शंता. शांता शांता इज द फीमेल डांसर विच इज वेरी फेमस फॉर धनंजयंस द डांसिंग डिओ एम ये देखिए एक्सप्लेनेशन द डांसिंग डिओ द धनन जयंस आर द वेरी फेमस हु आज द फीमेल डांसर तो वो है शांता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवनटीन विच ऑफ दिस फेमस डांसर इस्टैब्लिश द कलक क्षेत्र इन मद्रास नीचे देखो में से कौन से डांसर्स ने फेमस डांसर्स थे जिसने कलक क्षेत्र इस्टैब्लिश किया मद्रास में बाला बाला सरस्वती पद्मा सुब्रमण्यम रुक्मिनी देवी अरुणले या पद्मिनी तो इनमें से कौन थे फेमस डांसर जिन्होंने कलक क्षेत्र किया मद्रास में यानी कि स्थापित किया तो इसका सही आंसर है रुक्मिणी देवी अरुंधले थर्ड ऑप्शन रुक्मिणी देवी अरुंधले इज ए फेमस डांसर इस्टैब्लिश द कलक क्षेत्र इन मद्रास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन सामूहिकता पानीग्रही इज अ फेमस फॉर हर एक्सपर्टाइज इन विच डांस फॉर्म समुक्तता पानी ये फेमस थे फॉर हर एक्सपर्टीज वो एक्सपर्ट थे इन विच डांस फॉर्म किस डांस फॉर्म में वो एक्सपर्ट थे कुचिपुड़ी भरतनाट्यम ओडिशी या कत्थकली तो इसका सही आंसर है ओडिसी समयक्ता पानी घरी इज ए फेमस फॉर हर एक्सपर्टीज़ इन ओडिशा डांस फॉर्म यानी कि ओडिसी डांस फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच ऑफ दिस इज द डांस डांस यूज डांस यूज हुफॉर्म एंड कोरियोग्राफ माया रावन तो नीचे दे में से कौन है जिन्होंने डांस यूज परफॉर्म और कोरियोग्राफ किया माया रावन को मल्लिका शराबाई शोभाना, स्वप्न सुंदरी मेल वैली तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू शोभाना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द स्टैच्यूट ऑफ ए विंग्ड वुमन होल्डिंग एन एटम रिप्रेजेंट विच ऑफ दिस अवार्ड्स जो स्टैचुएट है विंग्ड वुमन की होल्डिंग एन एटम रिप्रेजेंट विच ऑफ दिस अवार्ड्स एक सेचुएट है जहाँ पे विंग्ड उस उसमे उस औरत के पास विंग्स है यानी कि उड़ने के जो पक्षियों के पास होते हैं वो और होल्डिंग एन एटम और वो एक एटम होल्ड के रखी है ये ऐसा अवार्ड ऐसे रिप्रेजेंट करने वाला अवार्ड कौन सा है ऑस्कर ग्रैनी इमी एफी इसका सही आंसर है इमी स्टैचुएट ऑफ ए विंग वुमन होल्डिंग एंड एटम रिप्रेजेंट दी तरह से ट्वेंटी क्वेश्चन खत्म हुए हैं उस पे तो अगला हम म्यूजिक के लिए लाएंगे आर्ट के टॉपिक के म्यूजिक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए शब को शिक्षा और इसी तरह से मोटिवेटेड रहिए कंसिस्टेंट रहिए और आपका सपोर्ट और प्यार हमेशा बनाए रखिए धन्यवाद